लेट्स स्टार्ट दिस मोटरसाइकिल। ऑल राइट, सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रेसर ऋषभ। तो आज बात करने जा रहे हैं हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में। तो मेरे सामने खड़ा है हीरो एक्सट्रीम का 100 मिलियन एडिशन, जो कि अभी भी नया आया है। बाकी ये बाइक आपको दो वेरिएंट और 4 कलर में देखने को मिलती है, जो कि चौथा कलर अब ये आ गया है, जो कि इसका 100 मिलियन एडिशन है। मैं फिर से बता दूं, 100 मिलियन एडिशन, तो हीरो ने अब तक 100 मिलियन की प्रोडक्शन कर चुका है, तो उसके बेसिस पे हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 160R पे एक 100 मिलियन का एडिशन निकाला है, जो कि अभी मेरे सामने खड़ा है। तो आज इसी के ऊपर रिव्यू बनाएंगे। हालांकि मैंने अभी तक हीरो एक्सट्रीम 160R का रिव्यू अभी तक नहीं किया था, तो इसी के साथ मैं इसका एक रिव्यू भी कर रहा हूँ 100 मिलियन एडिशन को लेके। बाकी बात करें, वॉक अराउंड देख लेते हैं इसके। तो फ्रंट लाइट बात करें, तो यहाँ पे आपको रेडियल डिज़ाइन में लाइट देखने को मिल जाती है। वेल, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी हीरो एक्सट्रीम 1.R से आता है, जो कि EICMA मिलान में हुआ था, जो कि 2019 में जो EICMA का इवेंट होता है मोटरसाइकिल का, उसमें आपको हीरो का एक्सट्रीम 1.R का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला था। उसी का एक कॉन्सेप्ट छोटा से लेके हीरो ने अपनी इस बाइक को मार्केट में उतारा है, जो कि एक्सट्रीम 160R है। अगर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन इस मोटरसाइकिल का यामा FZS V3 से है, अपाचे 160 RTR से भी है, और होंडा हॉर्नेट 180 जो कि अभी नई आई है उससे भी है। बाकी इसी के साथ बात करें हम लोग इस मोटरसाइकिल में, तो बहुत से अच्छे फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। ओवरऑल आपको फ्रंट और रियर लाइट LED देखने को मिल जाती है, इवन दो आपको इंडिकेटर्स भी LED देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इस मोटरसाइकिल में। अभी थोड़ा थोड़ा और भी आगे हम लोग बात करेंगे इसी मोटरसाइकिल के बारे में। बाकी बात करते हैं रियर लाइट के बारे में, तो रियर लाइट भी काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी इसको ऑन करके भी दिखाएंगे, बाकी अभी आखिर में साउंड भी सुनेंगे। बाकी यहाँ से स्पेसिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन में क्या क्या देखने को मिलता है। उससे पहले बता देता हूँ, ये दो वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है, जिसमें सिर्फ ब्रेकिंग का हार्डवेयर सिर्फ चेंज है। तो आपको रियर ब्रेक में ड्रम देखने को मिलता है अगर आप पहला वेरिएंट लोगे, और दूसरा वेरिएंट जो आपको देखने को मिलता है उसमें आपको रियर में डिस्क देखने को मिलता है। प्राइसिंग का फ़र्क है डिस्क और ड्रम में। बाकी स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्पेसिफिकेशन से, सो लेट्स सी क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द इंजन, तो मैक्सिमम पावर इस इंजन की 15 BHP की है, जो कि 8500 RPM पर जनरेट होता है। मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क 14 Nm का देखने को मिल जाता है, जो कि 6500 RPM पर जनरेट होता है। BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आती है, वहाँ पे आपको ऑटो सेंसर देखने को मिल जाता है, नीचे एक साइड कैटलेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, आपको सेल्फ और किक दोनों ही इसमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको बोर देखने को मिलता है 57.3 mm का, और स्ट्रोक देखने को मिलता है 63.3 mm का। 2 valve पर सिलेंडर देखने को मिल जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो आपको इसमें 9.8:1 का देखने को मिल जाता है। और आगे हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपको एयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, 5 speed का मैनुअल गेयरबॉक्स इसमें देखने को मिल जाता है। और टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और अगर माइलेज के बारे में बात करें, तो 50 km/L का माइलेज देखने को मिल जाता है। और बात करें राइडिंग रेंज के बारे में, तो 550 km से 600 km बीच में राइडिंग रेंज आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा राइडिंग रेंज इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इसके वॉकराउंड्स में, तो यहाँ पे आपको टैंक के ऊपर एक्सट्रीम 160R का ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, हीरो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आगे की तरफ देखने को मिल जाती है, मीटर के ऊपर की साइड देखने को मिल जाती है हीरो की ब्रांडिंग, और रियर में भी आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सो प्लेंटी ऑफ हीरो ब्रांडिंग यू विल गेट ऑन दिस मोटरसाइकिल, तो आपको बहुत सारी हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आगे हम लोग बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में, तो देखते हैं कि ब्रेकिंग साइज़ कितना है। तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फर्स्ट वेरिएंट लोगे, तो आपको रियर में ड्रम देखने को मिलेगा, वरना आपको दोनों में ही डिस्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें डिस्क के बारे में, बात करें फ्रंट ब्रेक साइज़ के बारे में, तो फ्रंट ब्रेक साइज़ आपको 276 mm का देखने को मिल जाता है। और रियर डिस्क साइज़ के बारे में बात करें, तो रियर डिस्क साइज़ आपको 130 mm का देखने को मिल जाता है। और अगर कैलिपर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 2 piston फ्रंट कैलिपर देखने को मिल जाता है, और रियर में सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाता है निसिन की तरफ से।
सो आपको आगे और पीछे दोनों में ही निसिन के ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। सिंगल चैनल ABS के साथ ये मोटरसाइकिल आती है और आगे की साइड आपको शौना के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। हीरो क्लेम करती है ये मोटरसाइकिल 4.7 सेकंड्स में 0-60 किलोमीटर पर आवर क्लॉक कर सकती है। वेल आगे बढ़ते हैं, टायर के बारे में बात करें तो टायर में आपको 17 इंचेस का टायर MRF की तरफ से देखने को मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें फ्रंट टायर के बारे में तो 100x80/17 का टायर देखने को मिल जाता है और पीछे का टायर आपको 130x70/17 का देखने को मिल जाता है, R17 देखने को मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल के साथ ये आती है। हीरो की ब्रांडिंग अगेन आपको यहाँ इंजन की तरफ देखने को मिल जाती है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था, 37mm का शौना सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है। पीछे साइड आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। कर्व वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 138.5 kg का कर्व वेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं लेंथ के बारे में तो ओवरऑल लेंथ आपको 2029mm की देखने को मिल जाती है। ओवरऑल हाइट आपको 1052mm की देखने को मिल जाती है और ओवरऑल व्हील बेस आपको 1327mm का देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ हम लोग बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको 167mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और अगर हम लोग चेसिस टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ट्यूबलर डायमंड फ्रेम देखने को इसमें आपको मिल जाता है। एंड दैट्स इट, कमिंग टू द स्पीडोमीटर तो देखते हैं आप स्पीडोमीटर में क्या क्या देखने को मिलता है। वेल आपको निगेटिव इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है विद 11,000 RPM। और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप बी, तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर, ट्रिप ए मीटर, ट्रिप बी मीटर एंड अगेन ओडोमीटर, ट्रिप एफ मीटर आपको नहीं देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको ओडोमीटर यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे लो फ्यूल हाई फ्यूल का इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। एंड दैट्स इट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। और इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलता है जो कि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपकी बाइक स्टैंड पर है और आपने अगर गियर शिफ्ट कर दिया तो बाइक आपकी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी, इंजन से पावर डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है इस मोटरसाइकिल में। यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्टेड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ न्यूट्रल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हाई बीम का लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स की लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पे ABS की लाइट देखने को मिल जाती है। डैट्स इट। और बात करते हैं यहाँ पे हैंडल्स के बारे में तो हैंडल में आपको क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको पास स्विच देखने को मिल जाती है, यहाँ पे लो बीम हाई बीम की स्विच, यहाँ पे हजार्ड लाइट की स्विच, तो ये हजार्ड लाइट की स्विच है, ये आपको इनबिल्ट इसमें देखने को मिलता है, आपको आफ्टर मार्केट कहीं नहीं लगाना पड़ेगा। अगेन यहाँ से इसको ऑफ करते हैं, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और यही टर्न इंडिकेटर्स को ऑफ करने के लिए आपको ये स्विच दबाना पड़ेगा। यही सेम चीज़ आपको बजाज पल्सर NS200 में भी देखने को मिलता है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है और आपको सिंगल स्विच में किल स्विच और इग्निशन स्विच देखने को मिल जाता है। तो साउंड सुनते हैं इसकी, देखते हैं कैसी साउंड है। और एक चीज़ मैं गलती से बता दिया, यहाँ पे निसिन का नहीं, यहाँ पे आपको बाइबर का ब्रेक देखने को मिल जाता है। लेट्स स्टार्ट दिस मोटरसाइकिल। सो 93 dBs की इसकी साउंड है इस मोटरसाइकिल की। एंड अगेन इधर साइड चलते हैं तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड दोनों ही देखने को मिल जाता है। और अगर इस स्प्रॉकेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 44 टीथ का स्प्रॉकेट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं सीट्स के बारे में तो यहाँ पे आपको सीट्स स्प्लिट नहीं देखने को मिलती है, पूरी सिंगल सीट देखने को मिलती है। और अगर सीट्स के कुशन के बारे में बात करें तो सीट के कुशन काफ़ी ज़्यादा फर्म है, लॉन्ग राइड्स में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, बट पिलियन के लिए उतना कुछ सीट मज़ेदार नहीं है, मतलब पिलियन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि सीट पिलियन के लिए इतनी भी बड़ी नहीं है। बाकी जो राइडर की सीट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, सो राइडर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी इधर साइड आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, इधर तरफ आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है। रियर लाइट आपको दिखा देते हैं इसी के साथ, सो ये है इसकी रियर लाइट। बाकी फ्रंट लाइट के में चलते हैं, सो ये रहा इसकी फ्रंट लाइट, ये रहा लो बीम और ये रहा हाई बीम और ये रही पास लाइट इस मोटरसाइकिल की। डैट्स इट, इतना ही आपको इसमें देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में तो आपको एक वाइट कलर देखने को मिलता है जो कि अभी यहाँ नहीं खड़ा हुआ है, एक आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है जो कि इधर साइड खड़ा है,
और एक आपको रेड कलर देखने को मिलता है जो कि इधर की तरफ है, और ये 100 मिलियन एडिशन वाला कलर है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो एक्स शोरूम इस मोटरसाइकिल का 111,000 है, ये एक्स शोरूम प्राइस है। सो ये मोटरसाइकिल सिर्फ डबल डिस्क में आती है, ये बात मैं आपको बता दूं। 100 मिलियन एडिशन, आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स रियर में नहीं देखने को मिलेगा, आपको डबल डिस्क ही देखने को मिलेगा। ऑन रोड प्राइस इस मोटरसाइकिल की 130,000 है। इसी के साथ मैं दोनों अलग अलग कलर्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो 109,200 रुपीज़, तीनों का ही कलर है, ब्लू, वाइट और रेड। अगर आप डबल डिस्क में लेते हो, और अगर आप सिंगल डिस्क में लेते हो तो 106,000 है अगर आप सिंगल डिस्क में लेते हो। और अगर हम लोग बात करें ऑन रोड प्राइस की इन तीनों कलर के बारे में, सो 128,000 अगर आप डबल डिस्क में लेते हो, और अगर आप सिंगल डिस्क में लेते हो तो 125,000 अगर आप सिंगल डिस्क में लेते हो, ऑन रोड प्राइस के बारे में बता रहा हूँ, और 128,000 अगर आप डबल डिस्क में लेते हो ऑन रोड प्राइस में। बाकी इतनी सी थी ये वीडियो, और छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको मफलर मैट में देखने को मिलेगा, साइलेंसर मफलर आपको यहाँ पे मैट में देखने को मिलेगा। बाकी फिट फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस मोटरसाइकिल की, जिस प्राइस सेगमेंट में ये एग्जिस्ट करती है उस हिसाब से लुक काफ़ी अच्छा है। बात करें इसकी रोड अपीरियंस के बारे में, तो रोड अपीरियंस भी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है। अगर आपको FZS और अपाचे RTR 160 से कुछ डिफरेंट में चाहिए तो हीरो की एक्सट्रीम 160R में भी जा सकते हो। यहाँ से हम लोग वीडियो करेंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जिस शोरूम ने मुझको अपॉर्चुनिटी दी इस वीडियो को बनाने में, तो वो है स्वामी हीरो गोविंद नगर में। आप शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, एक्सट्रीम 160R के अलावा भी आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, तो आप यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। बाकी यहाँ से वीडियो एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड आउट, राइड सेफ, एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।